वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। सो फूडी ऑन एंड फिल्म में जो सीरीज शुरू हुई थी माँ की रसोई, उसमें आज हम बनाने वाले हैं प्रॉन्स। ये है इटोवो जो कि सूरत में बेस्ड है और यहाँ से हमने ये प्रॉन्स ऑर्डर किए हैं। बहुत ही बढ़िया प्रॉन्स है, देखिए क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। और बेस्ट चीज़ ये है कि ये जो है इटोवो, ये होम डिलीवरी करते हैं, तो आपको वहाँ जाके लेने की जो झंझट है उससे आपको फ्री करते हैं। सो आइए आज बनाना सीखते हैं हम प्रॉन्स। पहले हम ये जो झींगे हैं इनको फ्राई कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमने ऑयल डाला है, एक चम्मच ऑयल। सो दोस्तों ये तेल हमारा गरम हो चुका है, तो इसमें हम छोटी चम्मच मेथी के दाने डालेंगे। ये साफ करे हुए प्रॉन्स हैं, इसे हम अभी फ्राई करने के लिए रख देंगे। अगर आप कुकिंग करना सीख रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड वाला काम है। सो दोस्तों ये प्रॉन्स गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करने हैं, थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे और फिर इनको हम आगे जो है प्रोसीजर हमारा वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे एक बोल में। बोल में निकालने के बाद इसी तेल में हम जो इसका मसाला है उसे हम फ्राई करेंगे। देख सकते हैं कैसे गोल्डन ब्राउन हुए हैं और क्रिस्पी हो चुके हैं ये। इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं नमक डाल के, बहुत अच्छे लगते हैं। काली मिर्ची, थोड़ा सा काली मिर्ची ऊपर से डाल के। ये हमारी माँ है, पीछे से इंस्ट्रक्शन देती रहती है हमको, खुद सामने वो नहीं बोलते हैं। टाइम लगेगा, उनकी भी एक नई सीरीज़ आने वाली है अभी, जिसमें वो खुली आपको बताएंगे किस तरीके से ईजी रेसिपीज़ बनानी है। नहीं चल रहा है, आप इंस्ट्रक्शन देती हो उसमें सब आवाज़ आती रहती है। सच्चा आप ही बोला था ना, हम बोलते नहीं हो। सो दोस्तों ये अदरक हम डाल रहे हैं इसमें, लहसुन। कितनी कलियाँ लहसुन? सो ये 8 से 10 लहसुन की कलियाँ है जिन्हें हमने चॉप कर लिया था फाइनली। और ये 2 बड़ा अनियंस, कांदा प्याज जैसे हम कहते हैं, वो हम डाल रहे हैं।
आपको मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना होगा, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगा और हमें जलाना नहीं है। सो ये हमने 1 इंच अदरक को ग्रेट कर लिया है, अच्छे से कस लिया है इसको हमने। और ये 2 मिर्ची, इनको भी आप ज़्यादा फाइनली चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम साइज़ में आप इसे चॉप कर सकते हैं। और ये एक टमाटर को हमने, अच्छा बड़ा टमाटर है, उसको हमने ग्रेट करके उसकी प्योरी कर ली है ताकि उसका छिलका हमारे मुँह में ना आए और अच्छा भी नहीं लगता है। इसमें हमने डाला है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। दो चम्मच हम डालेंगे इसमें मिर्ची। और नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार। इसमें हमने 1/2 कटोरी पानी डाला है जिससे ये ग्रेवी के फॉर्म में हो जाए। देख सकते हैं कितना अच्छा ये जो मसाला है वो लग रहा है, परफेक्ट कलर आ रहा है ब्राउन। इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे और फिर ये जो हमारे प्रॉन्स हैं, आहा कितने बढ़िया ये प्रॉन्स क्रिस्प हुए हैं। और इटोवो कंपनी से हमने इसे ऑर्डर किया था, काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी बड़े हैं साइज़ में। ऐसे प्रॉन्स यूजुअली आपको नहीं मिलेंगे तो आप ऑर्डर कर सकते हैं इटोवो से। ये उनका नंबर है 9033443316। और चिकन मटन सी फूड सब कुछ मिलेगा, हलाल है। और इनका पेज है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, सो यू कैन ऑर्डर। अब हम प्रॉन्स डालेंगे। वाह, देख के ही मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, बट अभी खा लेंगे तो आपको वीडियो कैसे बताएंगे, फिर से हम खाएंगे नहीं, पहले आपको वीडियो दिखाएंगे। फिर इसकी जो फोटोग्राफी हमने की है वो आप देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, foodie_on_Enfield। इसको हम चला के थोड़ा सा और इस पर हम लिड रख के 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे पकने के लिए लो फ्लेम पे। और 15 मिनट बाद हम आपको दिखाएंगे इसका रिज़ल्ट क्या है। बहुत ही बढ़िया ये प्रॉन मसाला हमारा बनने वाला है। सो दोस्तों, ये 15 से 20 मिनट बाद आपका जो प्रॉन्स है, मसाला प्रॉन्स, वो कुछ ऐसा दिखेगा। आपको हर इसे 5 से 6 मिनट में थोड़ा चलाना है। हमारा तो नॉनस्टिक है तो इतना कोई टेंशन की बात नहीं, मगर आपके पास अगर नॉनस्टिक हो या ना हो,
आप इसे हर 5 से 6 मिनट में थोड़ा सा चला लीजिए ताकि नीचे लगे ना। प्लस इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी डाल सकते हैं। और इस तरह से आपको अगर मसाले वाला लगा लिपटा जिसे हम कहते हैं चाहिए तो आप थोड़ा सा आधा कप जितना पानी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नींबू, आधा नींबू। ये देखिए खट्टा खट्टा चटपटा नींबू। अभी थोड़ा चला लेंगे। और ये आधा चम्मच गरम मसाला, घर का पिसा हुआ है ये। इसकी भी रेसिपी हम आपको जल्द बताएंगे एक शॉर्ट वीडियो में। और ये कितना बढ़िया लग रहा है कलर इसका। अब इसको हम गार्निश करेंगे थोड़े से धनिए से। ये फाइनली चॉप्ड धनिया है। आहा भाई वाह। इससे सुंदर और क्या होगा। और ये हमारा प्रॉन्स मसाला रेडी है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये और बहुत ही लजीज है। इसके साथ आप अगर लच्छेदार पराठा हो तो भाई वाह, उससे बेटर और क्या होगा।